हेलो बच्चों, मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की हिंदी पुस्तक रिमझिम 5 का पाठ नंबर 12 गुरु और चेला पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कविता है और हास्य से भरा हुआ ये एक कविता है जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है गुरु और चेला। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक गुरु है और एक उसका चेला है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न ढीला। तो एक गुरु जी थे और एक चेला था, यानी कि उसका शिष्य था। दोनों एक बार घूमने निकल पड़े, लेकिन उनके पास एक भी पैसा न था। ना था ढीला का मतलब उनके पास पैसा नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो चलते चलते उनको एक नगर यानी एक शहर मिला, जहाँ की सड़कें जो थी वो बड़ा ही चमाचम थी और उनकी जो गलियाँ थी डगर थे वो भी बड़ा ही चमाचम, मतलब बड़ा चमक रहा था। मिली एक ग्वालिन थरे सिर गगरी। जब वो जा रहे थे रास्ते में तो उन्हें एक ग्वालिन मिलती है और अपने सर पर वो मटका यानी कि गगरी रखे हुए थी। ग्वालिन का मतलब होता है जो दूध बेचने का काम करती है। गुरु ने कहा, तेज ग्वालिन ना भगड़ी, बता कौन नगरी बता कौन राजा। तो गुरुजी बोलते हैं कि ए ग्वालन, तू तेज मत भाग, मुझे एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे के जाओ कि यह कौन सी नगरी है, इसका नाम क्या है और यहाँ के राजा कौन है, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। वो कौन राजा है जिसके कि सुयस का यानी कि अच्छे गुणों का यहाँ पर डंका बजता है, लोग बातें करते हैं। आगे क्या होता है आप देखिए, यहाँ गुरुजी ग्वालन से पूछ रहे हैं। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। तो वो बोलते हैं गुरुजी से, वो ग्वालिन बोलती है कि गुरुजी आप बड़े अच्छे दिन में आज आ पाए हैं पंडित जी। ये जो जगह है यहाँ, यह इस नगर का नाम है, यह अंधेर नगरी है, अनबुज राजा। इस नगर का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ के जो राजा हैं वो अनबुज यानी मूर्ख राजा हैं। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यहाँ पर एक टके, टका का मतलब है यहाँ पर रुपया, यानी एक रुपये में यहाँ पर सब्जी भी मिल जाती है और एक रुपये में ही खाजा, यानी कि खाजा जो एक बहुत अच्छी मिठाई होती है वो भी बस एक रुपये में ही मिलती है। यानी कि कोई नियम कानून नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, सब कुछ मनमाना चलता है, ऐसा ग्वालिन बताती है। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है। गुरु जी समझ गए कि इसका मतलब है यहाँ का राजा जो है कोई नियम कानून नहीं मानता है, वो कोई नियम कानून नहीं बना के रखा है किसी भी चीज़ के लिए, ये मूर्ख राजा है। तो अब यहाँ पर रुकना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो हमारे सिर पे बिना मतलब का ही मुसीबत आ जाएगा कभी भी। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो गुरुजी बोलते हैं कि पता नहीं कब यहाँ पर क्या अंधेर हमारे साथ कुछ अन्याय हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर अब रहना सही नहीं समझता हूँ। ऐसा बोल करके गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी वहाँ से जाने का मन बना लेते हैं। गुरु ने कहा, किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो गुरुजी तो वहाँ से वापस लौट गए, लेकिन गुरु ये चेला जो है वो नगरी की तरफ आगे बढ़ गया। वो बोला कि नहीं, मैं वापस नहीं लौटूँगा। चला हाट को देखने आज चेला। तो वो जो चेला था वो उस नगरी का हाट देखने चला। हाट मतलब जहाँ पर कि सभी चीज़ मिलते हैं, उस हाट बाज़ार को देखने के लिए वो चला गया। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। तो यहाँ पर जब ये चेला पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर बड़ा ही रेलम रेल है, मतलब कोई नियम कानून नहीं चल रहा है। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, मतलब एक रुपये में ही हल्दी भी मिल रहा है और जीरा जो इतना महंगा मसाला है वो भी एक ही रुपये में मिल रहा है। टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा, और एक ही रुपये में ककड़ी जैसी मामूली सब्जी भी मिल रहा है और साथ ही साथ खीरा भी एक ही रुपये में मिल रहा है। यानी कि किसी भी चीज़ का कोई नियम कानून नहीं है, वो वहाँ पर इस चीज़ को देखता है। टके शेर मिलती है रबड़ी मिलाई मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। उसने क्या देखा इस चेला ने, कि यहाँ पर तो बस एक रुपये में ही रबड़ी और मलाई भी मिल रहा है। तो वो क्या किया कि बहुत सारी मलाई और रबड़ी कम पैसे में एक ही टके में खा ले लेकर के खूब खाया,
सुनो और आगे का। फिलहाल ताजा थी नगरी, थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। तो आगे आप इस कहानी में फिर से जानिए कि कैसे उस नगरी का नाम जो था वो अंधेर नगरी था और वहाँ का राजा मूर्ख था। इसकी और कुछ कहानियाँ आप सुनिए। बरसात था पानी, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। तो बारिश का मौसम आया, वहाँ पर काफ़ी बिजली चमकने लगा और काफ़ी बारिश हुआ। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत बिजली गरजा और बहुत झमाझम बारिश हुआ। तो बारिश होने पर क्या हुआ, गिरिराज की एक दीवार भारी। तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण राज्य का जो चौड़ा चारों तरफ चार दीवारी लगाया गया था, वो दीवार उसमें से एक जगह गिर जाता है, बहुत भारी एक दीवार। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। तो राजा तुरंत उस दीवार को देखने के लिए दौड़ करके, यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, वो दौड़ कर घुड़सवारी करते हुए वहाँ पहुँचता है देखने के लिए कि क्या हो गया, कैसे गिर गया ये दीवार। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। तो जो संतरी उस चार दीवारी की वो रक्षा कर रहा था, सीमा की रक्षा में लगा हुआ था उस दीवार के पास, तो उस संतरी को वो बुलाते हैं जल्दी से और पूछते हैं कि ये दीवार कैसे गिर गया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। वो आकर के संतरी बोलता है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, संतरी बोल रहा है कि हे महाराज, इसमें तो मेरी कोई भी खता यानी कि मेरी कोई भी गलती नहीं है और ना ही मैंने इसमें कुछ कर्तव्य यानी कोई गड़बड़ सड़बड़ किया है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। यह दीवार जो बनाया गया था बड़ा कमज़ोर था, यह मोटा नहीं था, अच्छी तरह से पैक नहीं था, इसलिए यह अपने आप ही गिर गया क्योंकि इसको मजबूती के साथ नहीं बनाया गया था। खता कारीगर की, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। तो संतरी बोलता है कि इसमें तो जो कारीगर इसको बनाया था उसी का गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो तुरंत ही कारीगर को वहाँ पर बुलावा भेजा जाता है, उस मिस्त्री को जिसने उस दीवार को बनाया था, और उसे वहाँ पर राजा के सामने हाजिर किया जाता है। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। तो राजा उसको जैसे ही देखते हैं उस कारीगर को, तो बोलते हैं इसको तुरंत इसके किए की सजा दो क्योंकि उसने एक कमज़ोर दीवार बनाया था। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो बेचारा वो जो है वो घबरा जाता है कि अब तो कोई सजा मिलेगा, तो बोलता है महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं किया है। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। तो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो उस भिस्ती मतलब जो पानी भर भर करके लाकर दीवार बनाते समय दिया था, उस भिस्ती के बारे में वो बोलता है कि वो भिस्ती की ही सारी गलती है, उसी ने शरारत किया था क्योंकि उसने जो गाढ़ा बनाया था बालू और सीमेंट का, उसको इतना गीला कर दिया था जिसके कारण ये दीवार जो है वो मजबूत नहीं बन पाया। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो अब राजा बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, भिस्ती की गलती है, तो जल्दी से उस भिस्ती को, पानी ढोने वाले को बुलाया जाए और उसको उसकी सजा दी जाए। चला आया भिस्ती, कुछ हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया। तो भिस्ती आता है और वो बोलता है कि नहीं, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती उस आदमी की है जिसने चमड़ा का यह भिस्ती मश्क बनाया, ये जो यहाँ पर है ना जिसमें पानी भर करके और वो पानी देता था, उस मश्क के बारे में वो बोल रहा है कि ये चमड़े का जो मश्क जिसने बनाया था, गलती तो उसकी है कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो ये जो मश्क बनाया गया था ये इतना बड़ा था कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, इसलिए गाढ़ा जो है बालू और सीमेंट का वो गीला हो गया, उसमें बहुत पानी गिर गया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, तो जिसने इस मस्क को बनाया था उस मस्क वाले को जल्दी से उसे बुलाया गया बिना देरी किए हुए। कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की
हिकमत। तो वो जो चमड़े का मश्क बनाया था उसको बुलाया गया, तो बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मंत्री जी की गलती है, उन्होंने गलती किया था। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, वो बोलता है कि मंत्री जो हैं वो मंत्री जी मुझे बहुत बड़े जानवर का चमड़ा दे दिए थे, दिलवा दिए थे, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया तो, और मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं कोई भी चमड़े की चोरी नहीं की, जैसा उन्होंने बड़े जानवर का चमड़ा दिया था उसी से मैंने मस्क बना दिया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, तो बड़े जानवर का चमड़ा होने के कारण ये काफ़ी बड़ा बना और इसमें काफ़ी पानी भरता है। ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी, ये मेरी गलती नहीं है तो किसी दूसरे की गलती है, और वो दूसरा कौन है, मंत्री है। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। तो राजा बोलते हैं ठीक है, अगर मंत्री की गलती है तो मंत्री को बुलाओ और उसे ही फांसी की सजा दिया जाए। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो जैसे ही राजा बोलता है कि अब मंत्री को फांसी चढ़ाओ, तो जल्लाद, जल्लाद मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी को भी फांसी की सजा पर चढ़ाते हैं, उसके गले में फंदे डालकर। तो जल्लाद आए और मंत्री जी को ले जा कर के फांसी पर उसी क्षण चढ़ाने लगे। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, लेकिन मंत्री जो था इतना दुबला पतला था कि उसके गर्दन में जो है ये फांसी का फंदा समा ही नहीं पा रहा था, वो फांसी का फंदा काफ़ी उसके गर्दन के लिए बड़ा हो साइज का हो गया था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो राजा बोला कि मैं तो बोल चुका हूँ फांसी देने के लिए, अब अगर मंत्री को गले में नहीं आ रहा ये फांसी का फंदा, तो किसी मोटे आदमी को लेके और उसी को फांसी पर चढ़ा दो मंत्री के बदले में। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, तो सिपाही जो थे वो किसी मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मिला चेला खाता था हलवा दनादन, तो उनको सैनिक को रास्ते में हलवा खाता हुआ चेला दिखाई दिया, जो कि बहुत दिनों से मलाई और ये सब खाकर काफ़ी मोटा हो गया था। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो उसको सिपाही बोलते हैं चेला को कि आप जल्दी से चलें, आपको महाराज याद कर रहे हैं राजा जी। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। तो काफ़ी पेटू इन था चेला, उसको लगा कि राजा बुलाए हैं तो ज़रूर भोज में बहुत अच्छी खाना खिलाएंगे, तो मन ही मन सोच रहा था कि आज तो वहाँ जा कर के बहुत अच्छे अच्छे खाना खाऊँगा, न्योता मीन्स भोज खाना। मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो जब लेकिन वो जब आता है दरबार में तो देखता है अजब ही तरीके से मुंह बना के बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि वो उसको न्योता खाने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बुलाया गया है जिसमें कोई झमेला है। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। तो राजा बोला कि हाँ इसकी गर्दन मोटी है, तुम इसी को फांसी चढ़ा दो। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। तो गुरु बोलता है राजा से कि चेला बोलता है राजा से कि अच्छा ठीक है, मुझे क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो, मुझे मेरी कम से कम गलती तो बताओ। तो राजा उसे डांट देता, बोलता है चुप रहो, बकबक मत करो, मेरे देश में इस तरह से लोग बातें नहीं करते, मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं सभी। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, लेकिन चेला जो था वो गुरु जी से कुछ बुद्धि अच्छी बातें सीख लिया था, वो चालाक हो गया था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, वो एकदम जिद पे अड़ गया कि कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। वो जिद पर अड़ गया कि फांसी की सजा चढ़ाने से पहले एक इच्छा पूरी की जाती है, मेरी इच्छा पूरा करो कि मेरे गुरु जी से मुझे मिलाओ तब मुझे फांसी पे चढ़ाओ। गुरु जी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो जल्दी से गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी समझ गए जल्दी से सब कुछ, क्योंकि बहुत अकलमंद थे। वो झट से रोते हुए चेला के पास गए और उसके कान में जाकर चुपचाप कुछ बोले। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, जैसे ही वो कान में कुछ बोले उसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा गुरु और चेला में। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, और दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगे। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। दोनों लड़ाई करने लगे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा, दोनों में झगड़ा होने लगा।
हटाए न हटते अरे ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। दोनों गुत्थम गथा करके लड़ाई करने लगे फांसी पे चढ़ने के लिए। बढ़े राजा फौरन, कहा क्या बात है? गुरु ने बताया करामत क्या है। तो अब राजा जी से रुका नहीं गया और राजा आगे बढ़ के पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों झगड़ रहे हो दोनों? तो अब गुरु जी सारे बात बताते हैं। बोलते हैं वो, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी ना, ऐसा मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो वो गुरु जी बताते हैं कि आज बहुत अच्छी मुहूर्त है और आज जो फांसी चढ़ेगा उसके लिए आज का मुहूर्त इतना अच्छा है कि वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। जो आज फांसी पर चढ़ेगा इस मुहूर्त में, वो सिर्फ अगले जन्म में राजा नहीं बनेगा बल्कि वो तो अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनेगा, यानी पूरे संसार का वो राजा बन जाएगा, पूरे राज का सिंहासन उसके कदमों तले होगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो गुरु राजा बोलते हैं कि अरे ये तो गुरु जी हैं और गुरु की बात तो गलत होती नहीं है, अगर गुरु जी सही बोल रहे हैं तो मैं इन दोनों को नहीं फांसी पर चढ़ने दूंगा बल्कि मैं खुद ही फांसी पर चढ़ूंगा और अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो ऐसा बोलने पर राजा हुक्म देता है कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए और राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जब वो मूर्ख राजा मर जाता है तो सब काफ़ी खुश होते हैं। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी ढोल नगाड़ा बजाने लगते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सब लोग, सारे नागरिक जो हैं वो उत्सव मनाने लगते हैं, क्योंकि एक मूर्ख राजा, बिना नियम कानून से चलने वाला राजा की मौत हो जाती है और उनका राज्य अब स्वतंत्र हो जाता है, वहाँ कोई अच्छा राजा अब वहाँ पर बन सकता है। तो इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी जी। बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता समझ में अच्छी तरह से आई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने किसी भी पिछले वीडियो को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध मिलेगा, उसे क्लिक करके आप पिछले किसी वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको कक्षा 1 से 10 के हिंदी विषय का सभी पाठ का व्याख्या और प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ कुछ पाठ के वर्कशीट भी उपलब्ध मिलेंगे। कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।